उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी और अहम खबरों के साथ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने तराई भवन पहुंचकर जनपद के आला अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राष्ट्र प्रथम के मूल मंत्र पर कार्य किया जाए और गरीबों के कल्याण के लिए योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों को मिले। उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं और कृषि और बागवानी के क्षेत्र में पंतनगर विवि का भरपूर सहयोग लिया जाए। बीते दिन उत्तराखंड के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एनएसयूआई के गुट आपस में भिड़ गए और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बीजेपी ने बेरोजगार संघ के साथ जोड़ दिया है इस घटना को और बीजेपी प्रवक्ता उमेश सुवाल ने कहा है कि बेरोजगार संघ के ही युवा अपनी मांग लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे, लेकिन ऐसे ही कुछ लोग उनके इस आंदोलन में गए और उन्होंने पथराव भी किया और ये वही लोग हैं वो इस घटना को अंजाम को लेकर ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर किसी को कोई परेशानी थी तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते, ना कि इस तरीके की घटना को अंजाम देते। ये घटना निंदनीय है। मेरे गुट का क्या है? मैं तो कांग्रेस का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते जो निर्देश होते हैं उसका पालन करता हूँ। एनएसआई में आपसी द्वंद हुआ बहुत दुखद है। इस तरीके की घटना नहीं घटनी चाहिए थी। इससे जो है संतुलन जो होगा और कोई शिकायत है, किसी को कोई शिकवा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आए थे, उनसे बात करनी चाहिए थी, अपनी बात कहनी चाहिए थी। लेकिन अपनी बात ना कह करके जिस तरीके से यहाँ पर उपद्रव किया गया है वो कदापि उचित नहीं। मैं इसके परिशब्दों में निंदा करूँ। मुझे लगता है कि उसमें कुछ आपराधिक तत्व भी आपस में जो उस एनएसयूआई के पदाधिकारी रहे होंगे। लोकतंत्र में मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल इस तरह की घटना उस कार्यालय के अंदर हो रही हो और मारपीट हो रही हो और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं पर हो, तो मुझे लगता है कि ये केवल दुनिया को दिखाने के लिए कि हम साहब समाज के हित के लिए सोच रहे हैं। ये समाज का हित नहीं सोच रहे हैं, ये अपराधी तत्व हैं। और मुझे लगता है कि जो उससे पहले की घटना भी हुई, जो पत्थरबाजी की घटना हुई, इसी तरह के तत्व उसमें शामिल थे जिनके द्वारा जो है तो पथराव भी किया गया। जो हमारे नौजवान बेरोजगार और जो हमारे युवा साथी थे जो अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से कहना चाहते, उसमें इसी तरह के घुसपैठियों के कारण जो वो हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये एनएसयूआई नहीं, ये गुंडों की जमात है। खबर हरिद्वार से है जहां कांवड़ मेला 2023 को देखते हुए हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनीष दत्त ने जानकारी देते हुए बताया है कि शारदीय कांवड़ मेला जब भी आता था तो उसमें इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन इस बार के शारदीय कांवड़ मेले में व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त की गई हैं और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि हर बार इस समय के कांवड़ मेले में दो जगहों पर व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार भीड़ का दबाव देखते हुए पांच जगहों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था और डॉक्टर सहित की गई है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की पटवारी और जेई और एई पेपर लीक कांड में एसआईटी ने अभ्यर्थी और जेल में बंद संजीव दुबे के मौसेरे भाई को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पटवारी परीक्षा के अभ्यर्थी को पेपर पढ़ाने के लिए 25,000 रुपए एडवांस लिए थे और प्रभारी एसएसपी रेखा यादव ने जिला पुलिस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि पेपर लीक कांड में दो और गिरफ्तारी की गई है और छानबीन में सामने आया है कि जेल में बंद मुख्य आरोपी संजीव दुबे के मौसेरे भाई देवी सिंह और इसके साथ ही जेल में बंद छात्र धर्मेंद्र ने भी उनकी मदद की थी।
प्रकरण लीक से संबंधित दो अभियोगों में विवेचना की जा रही है, जिसमें पटवारी पेपर लीक में दो नई गिरफ्तारियां इसमें की गई है, एक धर्मेंद्र है, दूसरा देवी सिंह। देवी सिंह इनका परिचित था, संजीव दुबे का परिचित था, यह जो रिजॉर्ट था उसमें एज एन इन्विजिलेटर वहाँ पे काम कर रहा था। इसको लगभग 25,000 धनराशि दी गई थी जो उसके द्वारा खर्च होना बताया गया है। दूसरा अभियुक्त धर्मेंद्र है, यह स्टूडेंट भी है और इसके द्वारा भी इन्विजिलेटर का काम करके कुछ लोगों को पेपर पढ़वाया गया है। इसको भी कुछ पैसे का प्रलोभन दिया गया था जो इसके द्वारा खर्च होना बताया गया है। धर्मेंद्र की गिरफ्तारी जो है आने की हितमपुर तिराहा के आसपास से की गई है, और अन्य अभियुक्त देवी सिंह की गिरफ्तारी SIT कार्यालय से की गई है। अभी जांच की जा रही है, जो भी नाम प्रकाश में आ रहा है हमारे द्वारा समय समय पर उनकी गिरफ्तारियां भी की जा रही है, जैसे कि द्वारा जीनियस कोचिंग सेंटर के मालिक संचालक जो है उनकी गिरफ्तारी की गई, जैसे उनका नाम प्रकाश में आया। अन्य भी ऐसे नाम अगर भविष्य में प्रकाश में आते तो उनके खिलाफ भी समय समय पर कार्रवाई की जाती रही। जो हमारे अभी वांछित अभियुक्त हैं उनके NBW लिया जा चुका है, अभी हमारी टीमें लगातार दबिशें उनके जो भी मस्कन उन पर दी जा रही है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के अंतर्गत वन सरपंचों को प्रशिक्षण देने के आए एक NGO के सदस्यों का वन सरपंचों ने ही विरोध कर, आपको बता दें कि प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया है और प्रशिक्षण के नाम पर की गई खानापूर्ति का आरोप लगाते हुए NGO के खिलाफ वन सरपंचों ने जमकर नारेबाजी भी की है। बताते चले कि मंगलवार को वन चेतना केंद्र बड़कोट में ही एक NGO द्वारा ही वन सरपंचों को परीक्षण दिया जाना था, और जिसके लिए अपर यमुना वन प्रभाग और बड़कोट के ही अंतर्गत सभी वन पंचायतों के सरपंच को वन विभाग द्वारा यहां बुलाया गया, और वन सरपंचों ने ही आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें दूर दूर गांव से यहां परीक्षण के लिए बुलाया गया, लेकिन परीक्षण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही की गई है। ये वन पंचायत सरपंच एवं सदस्यों को प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत के कार्यालय से आदेश हुआ है, एक संस्था को अर्पित सेवा संस्थान एक NGO है जिनके द्वारा कि वन पंचायतों को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्यक्रम था। ये आदेश प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत द्वारा उस संस्था को किए गए थे और उस संस्था के प्रतिनिधियों के द्वारा ये प्रशिक्षण यहाँ पे दिया गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं सर कि जितनी हमारी जो सरपंचों की जो मांगे हैं वो हमारी मांगे पूरी हो। वो DFO साहब को भी पता है, कंजरपेटर साहब को भी पता है, सरकार में जो मंत्री है उनको भी पता है, मुख्यमंत्री जी को भी पता है, लेकिन हमारी जो जितने भी जब कोई भी पत्रावली जाती है तो वो कंजरपेटर साहब के यहाँ जाती है, और कंजरपेटर साहब ने हमारी पत्रावली को दबा रखा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं भेज रहे हैं। यदि वहाँ अनुभाग 2 से अगर कोई भी बोलते हैं उनके अधिकारी की भैया हमको पत्रावली भेजो तो उसमें कोई सही आख्या नहीं देंगे। यहाँ पर अभी एक गोष्ठी थी, ट्रेनिंग थी, यहाँ पे वन पंचायत की प्रशिक्षण था, पर जब हम यहाँ पर आया तो देखा यहाँ पे ना तो कोई अधिकारी मौजूद है और जो ये ट्रेनिंग देने वाले बंदे भी आए हैं ये इनको कुछ जानकारी तो कुछ है नहीं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब टोटली फर्जीवाड़ा है। हम सभी लोगों ने इसका विरोध जब किया तो वो लोग अपना हमें रोकने की कोशिश करी गई और ये अपना जो ये ताम झाम लेके आए थे सब यहाँ से रफा चक्कर हो गया यहाँ से, तो हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इसका विरोध किया है और इतने दूर दूर से लोग आए हैं, इनका इतना खर्चा हुआ है, कोई यमुनोत्री से है, कोई आपके गैर कफनोल से है, कोई बनाल से आया है। खबर हरिद्वार से है जहां SDM कार्यालय रोशनाबाद में ही गढ़ मीरपुर के ग्रामीणों ने SDM पूरण सिंह राणा को ही एक पत्र के माध्यम से मांग करते हुए गढ़ मीरपुर को ही जाने वाले मार्ग को लेकर ही चौड़ीकरण और नवीनीकरण किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि उक्त मार्ग को रिपेयर किए जाने का कार्य किया जा रहा है, जो कुछ ही दिनों बाद स्थिति जस की तस होने वाली है, और ग्रामीणों का कहना है कि इससे बेहतर यह है कि मुख्य मार्ग को बड़ा किया जाए और रिपेयरिंग की जगह पर मार्ग का नवीनीकरण किया जाए। SDM पूरण सिंह राणा के द्वारा ही जानकारी देते हुए बताया गया है कि ग्रामीणों के द्वारा जो समस्याएं बताई गई हैं उसके चलते मौके का मुआयना कराकर जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर सड़क के किनारे जो भी अतिक्रमण और उन्हें हटवाकर इसके साथ ही ड्रेनेज बनवाकर चौड़ीकरण का भी यहाँ पर कार्य और नवीनीकरण का कार्य करवाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभी लोगों के द्वारा एक कंप्लेंट दिया गया है कि जो पब्लिक आवागमन के लिए जो सड़क बना हुआ है उसके साइड में कुछ इनकोचमेंट है, तो ये आपके भी नॉलेज में है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इनकोचमेंट के खिलाफ एक बड़ा ड्राइव स्टार्ट किया गया है, तो इनके द्वारा भी समस्या संज्ञान में लाया गया है
तो इमीडिएटली तहसील प्लस पीडब्ल्यूडी, क्योंकि सड़क पीडब्ल्यूडी का है, एक ज्वाइंट टीम बनाकर इसको चेक करवाया जाएगा और प्राथमिकता से हटवाया जाएगा। सर जी सड़क थोड़ी एक्सचेंज से भी वार्ता हुई है कि जो भी ड्रेनेज रहेगा ड्रेनेज ही बनाया जाएगा, प्लस जो इंक्रोचमेंट है उसको भी रिमूव किया जाएगा। थैंक यू। है ना इस सड़क की जो है ना जो चौड़ीकरण है और का जो में जो है ना राजस्व जो है उसकी मांग है उसको हम जो है निशानदेही कर दी जाए तो हमारा जो है ना निकास पानी निकासी का काम शुरू हो जाएगा और जो है ना सड़क बनाने में भी जो है ना आसान काम हो जाएगा। हमारी मांग तो यह है कि इसको दोबारा जो है ना नवीनीकरण हो जाए और जो है ना जो काम अभी रिपेयरिंग का चल रहा है उससे थोड़ा रास्ता जो है ना आने जाने में हो जाएगा, लेकिन हमारी मांग जो है ना मुख्य वो नवीनीकरण की है और चौड़ीकरण की है, जिससे पानी के निकास के लिए बराबर में नाल जो है ना नाला नाली बनवा जा सके और सड़क को जो सेफ किया जा सके, आगे जो है आने वाले समय में वो जो है ना बार बार टूटेगी नहीं सड़क खराब होगी। एडीएम साहब से मिले, साहब ने हमको आश्वासन दे दिया कि मैं सब कुछ पेमेंट्स करा करके जो है ना सीमेंट बनवा दूंगा और जो है ना अभी थोड़ा ये रिपेयरिंग का काम जब चलेगा आने जाने में लोगों को दिक्कत ना है उसके बाद सारा एस्टिमेट करके उसका नवीनीकरण कर दिया जाएगा, उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया। रायवाला और मुनी की रेती थाना पुलिस ने एक महिला सहित नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 14 ग्राम स्मैक और रायवाला थाना पुलिस ने ही 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है और पुलिस के मुताबिक वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने ही खंड गाँव के पास बाइक सवार एक महिला और पुरुष को तलाशी के लिए रोका और उनके पास मौजूद बैग से ही पुलिस ने 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की और पूछताछ में महिला और पुरुष पति पत्नी निकले हैं और जिनकी पहचान गुरमीत सिंह और राजकोर निवासी नगीना जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया है कि अनिल कुमार के खिलाफ पुलिस ने ही तस्करी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। मामले की अधिक जानकारी के लिए पुलिस अब जांच में भी जुट गई है। वर्तमान में प्रचलित शारदीय कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर ही कांवड़ियों और श्रद्धालुओं द्वारा हरिद्वार से कांवड़ में ही जल लेकर आते हैं। उनके आवागमन के मार्गों पर किसी भी प्रकार के अवरोध उत्पन्न नहीं होने पाए और इसको लेकर ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पुलिस द्वारा ही लोगों से अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। कांवड़ यात्रा को लेकर सभी थाना प्रभारी भी सतर्क नजर आ रहे हैं। ये आखिरी 3 दिन में हर जगह ये प्रथा है, हरिद्वार में भी यही प्रथा है कि कांवड़ जो है कांवड़ मार्ग पर जो है अधिकांश मीट मछली मांस और अंडे की दुकानें बंद रहती हैं। इसी प्रकार इस बार भी जो है लास्ट के 3 दिन जो बचे हुए हैं 16, 17, 18 तीनों दिन जो है मीट जब कांवड़ अटलीस्ट 17 की देर रात तक जब जो है कांवड़ का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ रहेगा उस समय जो है मतलब कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले रास्ता कांवड़ मार्ग पर एवं उसके इर्द गिर्द के जगहों पर जो है सभी प्रकार के मीट मछली अंडा और मांस की दुकानों को बंद करने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देश भी दे दिया है मैंने और इस संबंध में आदेश पारित करने के लिए डीएम साहब को माननीय डीएम साहब को हमने लेटर भी भेज दिया है। पौड़ी में गर्मी का दौर शुरू होने से पहले ही शहर में पेयजल किल्लत शुरू हो गई है और यहां अनियमित पेयजल आपूर्ति स्थानीय जनता की तकलीफ बढ़ा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में अब जल संस्थान के खिलाफ आक्रोश बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल शहर में ही नान घाट और श्रीनगर पेयजल पंपिंग योजना के से ही पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन दोनों पेयजल पंपिंग योजनाओं और जल संस्थान विद्युत विभाग दोनों ही विभागों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है। एक ओर जहां जल संस्थान लीकेज की समस्या को दूर नहीं कर पाया है तो वहीं विद्युत विभाग द्वारा ही बार बार शट डाउन किए जाने से पौड़ी में ही नियमित तौर पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सर इसमें हमारी श्रीनगर से वाटर सप्लाई पौड़ी के लिए होती है, ये बहुत काफ़ी पुरानी लाइन है, ये बार बार फटती रहती है जगह जगह और जिससे हमारी वाटर सप्लाई डिस्टर्ब होती है। बीच बीच में क्या हो रहा है से ये इनका शट डाउन रहता है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, उस वजह से हमारी डिस्टर्ब होता रहता है पानी। फिलहाल हमारे जो ये गर्मी को देखते हुए हमारे टैंकर वगैरह जो भी हैं जिनसे हम सप्लाई की जाएगी और जहाँ हमारी लीकेज हो रही है लाइनें तुरंत उसको ठीक कर दिया जाता है
लेकिन जहाँ हमारा दिक्कत आ रही है हम उसको समस्या का निदान करते हैं। विंटर सीजन चल रहा है, अभी से पानी की समस्या हो गई पौड़ी में और हम 2 साल से लगातार जल संस्थान से संपर्क कर रहे हैं। जब हम यहाँ आते तो कहते साहब टेक्निकल फॉल्ट है, बिजली नहीं है, इसलिए हम जो है पानी की सप्लाई नहीं कर पाते। तो हमने उनको कहा हम 2 साल से लगे हैं कि भाई आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जैसे हम लोगों के घर में अगर लाइट जाती है तो हम मोमबत्ती की व्यवस्था रखते हैं। तो हम 2 साल से लगे हैं तो 2 साल से जल संस्थान ने उसमें कोई स्टेप नहीं उठाया। और अभी से जब पानी की कमी है तो गर्मियों में क्या हाल होंगे पानी के, ये आप सोच सकते हैं। उत्तरकाशी के ही भटवाड़ी ब्लॉक ग्राम होरी में देर शाम एक आवासीय भवन में आग लगने से मकान खाक हो गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आग पर नियंत्रण पाने के लिए पूरी कोशिश की गई पर आग पर काबू नहीं कर पाए। गनीमत यह रही कि जनहानि का कोई खतरा नहीं हुआ और मकान में तमाम सामान जलकर खाक हो गया। ग्राम प्रधान अनवीर का कहना है कि पीड़ित परिवार के पास कुछ नहीं बचा है और उनके सोने के आभूषण और तमाम प्रकार की चीजें जलकर खाक हो गई हैं। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की है। कोटद्वार क्षेत्र के ही आम पड़ाव के एक घर में आग लगने से 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से 3 घायलों को बेस हॉस्पिटल कोटद्वार लाया गया है और जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और 18 साल की युवती को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। फिलहाल बता दें कि आग लगने का कारण घर में काम कर रहे कारपेंटर द्वारा कारपिन के तेल में ही बीड़ी फेंकने का बताया जा रहा है, जिसके कारण आग लगी है और दोनों कारपेंटर के साथ घर की युवती भी इस भीषण आग में झुलस गई। रात्रि में 9 के आसपास 3 पेशेंट्स आए थे बर्न के और 3 पेशेंट्स में से 2 पेशेंट्स को 75% और 48% के आसपास बर्न थे, उनको तो रेफर कर दिया गया वहाँ पे एम्स में। और तीसरा जो पेशेंट है वो 18% बर्न की है, लड़की है, मनजीबल है, उसको हमारे यहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब बर्न किस चीज़ से हुआ जो पता चला है, जो बताया गया वहाँ पे, उन्होंने बताया कि वो कारपेंटर थे और केरोसिन के पास बैठे हुए थे, सिगरेट या बीड़ी कुछ पी रहे थे तो वो वहाँ से उससे लग गई उसकी वजह से। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। हरिद्वार जेल में बंद गैंगस्टर सुनील राठी के नाम से एक प्रॉपर्टी कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है और कुख्यात के नाम से ही फोन पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आने के बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले में प्रॉपर्टी कारोबारी ने ही सिटकुल थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस ने सुनील राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने और धमकाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता रविकांत मलिक ने बताया है कि सिटकुल थाना क्षेत्र के मौजूद एक जमीन को लेकर उसका एक पक्ष से विवाद चल रहा है और उसी जमीन को लेकर सुनील राठी के नाम से ही धमकी मिली है और जेल में बंद कुख्यात के नाम पर धमकी मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। मामला सिटकुल थाना क्षेत्र का है, वहाँ पे वादी द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उसको द्वारा बताया गया है कि एक जमीन, एक विवादित भूमि भाग को लेकर के उसको एक थ्रेट कॉल आया जिसमें जो व्यक्ति जिसने कॉल की उसने अपना परिचय सुनील राठी के तौर पे दिया गया। क्योंकि मामला संगीन था तुरंत वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है ताकि वर्तमान विवेचना प्रचलित है। साथ ही उस फोन कॉल की चूंकि नंबर उसमें आया था उसकी जाँच की जा रही है किससे संबंधित है। एक CDR निकाल ली गई है, कैफ भी निकलवा लिया गया है, नंबर अभी फिलहाल बंद चल रहा है। जैसे उसके बारे में अन्य जानकारी रुड़की के भगवानपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत नागल पलोनी गांव की ही 3.5 किलोमीटर की सड़क आजादी के वक्त से बदहाली कोई आंसू रो रही है मगर कोई जनप्रतिनिधि इस सड़क को बनवाने के लिए आज भी तैयार नहीं है। चुनाव के वक्त सभी प्रत्याशी सड़क को बनाने के दावे करते हैं मगर जीत के बाद उस गांव को ही भूल जाते हैं। मगर इस बार गांव के लोगों ने मीडिया को बताया है कि वोट उसे ही मिलेगा जो सड़क को बनवाएगा। अगर सड़क नहीं बनेगी तो स्थानीय लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी भी दल को वोट नहीं दिया जाएगा। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर ब्लॉक और विधानसभा क्लियर
के ही नागल गांव का है, जहां गांव के स्थानीय लोग नागल से ही दरियापुर हकीमपुर को जोड़ने वाली कच्ची सड़क का निर्माण कराना चाहते हैं। आपको बताते चले कि ये गांव का मुख्य मार्ग है, जिसकी पिछले कई सालों से पक्की सड़क बनवाने की ग्रामीण मांग कर रहे हैं, मगर अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। और ग्रामीणों की ब्लॉकर भगवानपुर और कलियर विधायक के ही चक्कर काटते काटते चप्पल तक घिस गए हैं, मगर ग्रामीणों की आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बेचारे ग्रामीण की कोई सुध लेती है या नहीं। हालांकि इस बाबत भगवानपुर SDM आशीष कुमार मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में यह मामला अभी आया है और संबंधित विभाग को जल्द ही इसको बनवाने के निर्देश किया जाएगा। बहुत गंदा काम हो रहा है जी, इसमें से बहुत ही परेशानी की बात है। यो पुड़िया टूटी पड़ी एक तो, इसमें बहुत काम खराब हो गया लोगों का, चोट भी लगी जी, पैर फट गए दो तीन हद में। अच्छा, और दूसरा? और दूसरी बात है जी, सड़क होनी चाहिए, बिल्कुल ही काम खराब हो गया इसका। हाँ जी, क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ जी, सुनी किसी ने नहीं। अच्छा, विधायक भी नहीं सुनते? हो गई भी नहीं, किसी ने भी नहीं सुनी। पुरकान जी भी ना 10 साल हो गए। हाँ जी, सबके पास जा चुके, विधायक जी के पास में भी गए, सांसद जी के पास में भी गए, जो भी नेता गांव के अंदर रहता है, वोट मांगने के लिए आता है, वोट के टाइम पर कहते हैं कि बनवा देंगे। क्या सर, ये जो मामला है मेरे संज्ञान में अभी करीबन 2-3 दिन से आया है। जो मुख्य मार्ग है वो बोला जा रहा है, बताया जा रहा है गाँव वासियों द्वारा कि काफ़ी पुराना मार्ग है, लेकिन अभी भी कच्चा है। तो इसके लिए जो है संबंधित विभागों को, जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये सड़क है, ग्राम पंचायत हो सकता है या फिर RWD या PWD, जो भी विभाग इस सड़क को देख रहा है, तो उसे निर्देशित किया जाएगा कि मौका मुआयना करके जो है हो गया। हमारी पुलिया टूटी हुई है यहाँ पे, और रात में क्या अब हादसे भी हो रहे हैं यहाँ पे, तो कई दिन से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है मतलब। और ये जो रास्ता हमारे मेन पुलिया से लेकर हकीमपुर तक, ये दरियापुर तक, और ये भी सड़क कम से कम 5-6 साल हो गए सब। फुरकान है हमारे विधायक जी, उनके पास भी कई बार गए हम। फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।